खबर भोपाल से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा गोविंदपुरा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भानपुर मंडल के अध्यक्ष नीलेश कौर, मंडल के महामंत्री सुबोध साहू, विजय गौतम और मंडल के सभी महामंत्री पदाधिकारियों ने सुभाष स्कूल के पास 7 नंबर चौराहे पर श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां दी। उनके बलिदान और कथा, उनकी अरे गीता और देश पर मर मिटने वाली दिलेरी को याद किया। आजाद हिंद फौज का गठन किया और जिनके पराक्रम के कारण अंग्रेज विवश भारत छोड़ने के लिए ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे विद्यार्थी जो समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए उत्कृष्ट काम करेंगे, पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, ऐसे 5 विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित करेगी। आज मैं जबलपुर भी जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।